हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड चैनल में मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसमें हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था हमने एनीलिंग, और आज का अपना जो टॉपिक है वो है हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब होता है हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, और हार्डनिंग मतलब कठोरता। यानी जब धातु की कोई प्रोसेस करते हैं, धातु पे जब कोई मैन्युफैक्चरिंग का या उससे मशीनिंग का कार्य किया जाता है, तो धातु में क्या होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं या जो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिससे धातु क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के बाद अपन उसको काम में नहीं ले सकते। तो धातु की कठोरता को वापस लाने के लिए ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर कठोरता का कार्य का प्रोसेस करके धातु को कठोर बनाने की प्रक्रिया ही कठोरता कहलाती है। कठोरता का मतलब होता है इसमें धातु की क्या बनाते हैं, हार्डनेस को बढ़ाते हैं। जिस किसी पदार्थ का जो वह गुण जो खुरचे जाने पर, यानी कोई मेटल है ये, इसको खुरचे जाने पर, इसको मशीनिंग करने पर या इसको पे घिसने पर, इस धातु पे कोई फर्क नहीं पड़ता, धातु जैसा है वैसा ही रहे, धातु के इसी गुण को अपन क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। यानी धातु, वह धातु जो खुरची जाने, घिसने, काटने, पीटने आदि का विरोध करती है वो क्या कहलाती है, हार्डनिंग की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में। ऐसे अपने पास बहुत सारे मशीनिंग टूल होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जिनको अपन हार्ड करते हैं, जैसे डाइए, बैरिंग, कटिंग टूल्स बहुत सारे इंपोर्टेंट, ड्रिल, रीमर, चीजल, फाइल, ये सब क्या होता है, हार्डनिंग के द्वारा ही इनको हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हार्डनिंग में हम जो स्टील होते हैं उसकी और कठोरता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अलग एलिमेंट भी इसमें मिला देते हैं, जैसे कॉपर मिला दिया, टिन मिला दिया, निकल मिला दिया, इससे क्या होगा, धातु में कुछ हार्डनेस का गुण ज्यादा आ जाता है, इसलिए अलॉयिंग मेटल्स भी मिलाकर अपन हार्ड कर सकते हैं। अब किस धातु को अपन कितनी परसेंट कार्बन बॉन्ड पर हार्ड कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर किसी धातु को मान लो हार्ड करना है, मान लो हार्डनिंग की प्रोसेस करना है, तो उसके लिए कम से कम उसमें कार्बन की मात्रा 0.35% के लगभग होनी चाहिए, यानी ऊपर ही होना चाहिए इससे। कितने, अगर किसी धातु में मतलब 0.35% कार्बन है तभी उस धातु को अपन क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। अगर इससे नीचे है, जो यानी इससे अगर बिलो है, नीचे है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, हार्ड नहीं कर सकते, वो एनिलिंग के ही रहेगी, वो सॉफ्टनेस ही रहेगी, उसको कभी हार्ड नहीं। अगर अपन किसी धातु को हार्ड करना है तो याद रखिए 0.35% के ऊपर वाले ही कार्बन वाले मेटल्स को ही अपन क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ड करने के पश्चात क्या करते हैं, इससे जब धातु हार्ड हो जाती है तो उसको टेम्परिंग एक क्रिया है उसके, उसको करके उसमें थोड़ा टफनेस का गुण भी ले आते हैं, ताकि वो भंग, ब्रिटलनेस ना रहे, थोड़ा सा मतलब टफनेस का भी गुण रहे। तो हार्डनिंग का उद्देश्य क्या होता है, अब आते हैं इसका पर्पज कि हार्डनिंग क्यों करते हैं अपन। हार्डनिंग का पर्पज यह है कि हार्डनिंग क्या होता है, धातु को घिसने योग्य से बचाना, पहला, यानी धातु को घिसने से रोकने के लिए। दूसरा, इस्पात को काटने योग्य, यानी किसी दूसरी धातु को काट सके, इस गुण को बढ़ाने के लिए, और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो पहला था उसको मतलब घिसने से बचाना, घिसने से बचाने के उद्देश्य से अपन पहला उद्देश्य तो यह होता है। दूसरा, किसी धातु को काटना, काटने के लिए बनाते हैं, और तीसरा इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। इन तीन गुणों को बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं। अब हार्डनिंग करते कैसे हैं, अब है इसकी विधि कैसे इसको हार्ड करते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, किसी मेटल को, ठीक है, किसी मेटल को भट्टी में रखेंगे, और भट्टी में रखकर कार्बन की मात्रा के अनुसार उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे। जब धातु पूरा एक समान अंदर तक गर्म हो जाए, यानी पूरा अंदर तक समताप रूप से पूरा गर्म हो जाए, समान गर्म हो जाए, समान तापमान पे गर्म हो जाए, उस स्थिति में क्या करते हैं, उस मेटल्स को अपन भट्टी से बाहर निकालते हैं और पानी के अंदर उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर इसको डिप कर देते हैं। यहाँ पे ये पानी की है, इसमें तुरंत डिप करेंगे, और डिप करने से क्या होगा,
इसकी जो हार्डनेस की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, यानी किसी धातु को गर्म करना और शीघ्रता से पानी में डुबा देना। अगर जब किसी धातु को आप पानी में गर्म करते हैं, सॉरी भट्टी में गर्म करते हैं और शीघ्रता से उसको डुबा देते हैं, तो एक और जो डुबाने की जो प्रक्रिया होती है, जो शीघ्रता से ठंडा करते हो, उसको अपने एक गुण बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्विचनिंग। क्या? क्विचनिंग का गुण, क्विचनिंग, क्विचनिंग बोलते हैं इस गुण को। यह गुण होता है, इसको क्विचनिंग बोला जाता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि धातु को गर्म करके शीघ्रता से ठंडे करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है क्विचनिंग, जो शायद मेरे हिसाब से 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड होती है मेरे हिसाब से। इस दर से धातु को ठंडा जब किया जाता है तो वो ये गुण जो कहलाता है वो क्विचनिंग किया जाता है, ठीक है। और ये सिंपल पानी में ही ये प्रोसेस किया जाता है, एक जो साधारण पानी होता है अपना जो पीने का, उस पानी में ये क्रिया की जाती है, ठीक है। जोंक की जो कठोरता होती है, अब जोंक एब्सेंट डुबाएगा तो क्या होगा, ठंडा तो होगा, ठंडा होने से जो उसकी कठोरता की दर है वो उसके ठंडा होने की दर पर ही मतलब प्रभाव दर पर ही निर्भर करता है कि वो कितना देर से ठंडा हो रहा है, कितना धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अगर जोंक को जितनी देर से ठंडा किया जाता है तो वो जोंक क्या करता है, उतना ही हार्ड बनता है, ठीक है। तो जो इस्पात की जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है वो निम्नलिखित अवयव पर निर्भर करती है, यानी जो धातु की हार्डनेस है वो किस किस मतलब डिग्री ऑफ हार्डनेस पर निर्भर करती है, उसमें होती है कार्बन की मात्रा की कितने परसेंट उस मेटल में कार्बन है, फिर क्वेश्चनिंग का क्या टेम्परेचर है, फिर क्वेश्चनिंग का माध्यम क्या होता है, जिसे आप किसी को पानी में गर्म कर सकते हैं, किसी को आप ऑयल में गर्म कर सकते हैं, तो दोनों में ठंडा होने की दर अलग अलग रहेगी। तो जैसे आप पानी में गर्म तो तुरंत ठंडा होगा, तो वो ज्यादा जल्दी कठोर पूरा नहीं होगा पर कठोर होगा, यानी बहुत ही जल्दी ठंडा होगा तो कठोर भी बहुत जल्दी होगा, और ज्यादा हार्डनेस अंदर तक उसको एकदम पूरा हार्ड करना है तो आप ऑयल का यूज करेंगे। ऑयल का यूज इसके साथ आप नमक के पानी का भी यूज कर सकते हैं, NaCl का भी, ठीक है, और इससे अलावा आप सोडा वाटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, पानी जो मेटल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो धातु क्या होती है, ज्यादा हार्ड होती है। यानी जो धातु जितनी धीरे धीरे पानी में डूबते हुए ठंडी होती है, जिस दर से जिस माध्यम में ठंडा किया जाता है उसके हार्डनेस का गुण उतना ही अच्छा होता है। फिर जोंक के आकार पे होता है, यानी जो छोटा जोंक होगा वो जल्दी ठंडा होगा तो ज्यादा हार्ड होगा, या बड़ा जोंक होगा धीरे धीरे ठंडा होगा। और इसमें इसके जो एलिमेंट मिला के क्या कर, जैसे आप निकल, क्रोमियम, मैंगनीज आदि मिलाते हो, इसके अलावा जहां उसे गर्म किया जाता है कितनी देर तक उसको गर्म कर सकते हैं, और दूसरा है जोंक को कितनी देर तक आपने गर्म किया, ठीक है। ये सब इसके डिग्री ऑफ हार्डनेस पर निर्भर करते हैं कि वो कितना हार्ड हुआ। ये सब मैंने आपको भी गुण बताए, ये हार्डनेस के गुण है। इसके अलावा एलोइंग, जब अपन एलोइंग एलिमेंट मिलाते हैं स्टील में, तो जो स्टील होती है और जो ठंडा करने की दर वो कम रखती है, तो क्या होती है, स्टील एकदम कठोर हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने अभी बता दी ये सब चीजें कि ऑयल में ठंडा धीरे होता है, पानी में तेजी से ठंडा होता है, तो भी क्विचनिंग का टाइम है, जितने क्विचनिंग जो जिस हिसाब से होगा वो मेटल उतना ही मतलब हार्ड होगा, ठीक है। तो इसको अब करने का एक तरीका होता है, जैसे मान लो कोई जॉब है, जैसे आपका मान लो ड्रिल है, ठीक है, ये ड्रिल है आपका, आपका ड्रिल है, इस ड्रिल को मान लो आपको गर्म ठंडा करना, हार्ड करना है, ठीक है। जब आप इस ड्रिल को हार्ड करोगे तो क्या होगा, तो ये जो इसका मोटा वाला पीछे का भाग होता है इसको पहले डुबोना चाहिए, या रीमर हुआ, या डाई हुई आपकी, या आपकी टेप हुई, या आपका कुछ लंबा दूसरे बता दो, इसमें जो पहला मोटा वाला भाग है उसको पहले धीरे धीरे डुबाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पतले वाले हिस्से को पहले डुबा दोगे तो धातु क्या होगा, वो जो आपका जॉब होगा वो टेढ़ा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अपन को हार्ड करने की विधि का भी पता होना चाहिए कि किस भाग को पहले अपन को ठंडा करना है, ठीक है। लंबे जॉब होते हैं उनको, मोटे पार्ट्स को मतलब पहले डुबाया जाता है, जैसे आपका ड्रिल, रीमर, पिन, स्प्रिंग, जो बहुत सारे ये सब क्या होता है, टेढ़े होने लग रहे थे, इसलिए उनको बड़े पार्ट्स को पहले डुबाया जाता है, धीरे धीरे डुबाया जाता है, ठीक है। जो अब एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील, इसको क्या करते हैं हार्ड करने के लिए, क्या एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील, ठीक है, इनको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में इनको तेज हवा दी जाती है, क्या एक तेज हवा इनके ऊपर पंखे से डाली जाती है, और उसी हवा में ही इसको ठंडा करके मतलब इसको हार्ड बनाया जाता है। तो ये थी आज की अपनी हार्डनिंग की प्रोसेस। हार्डनिंग का मतलब होता है धातु को कठोर बनाना,
धातु कठोर कैसे बनती है, कौन से कितने परसेंट कार्बन होना चाहिए, 0.35% से ऊपर होना चाहिए और 0.8 लगभग चल सकता है, इतने वाले पदार्थ को अपन हार्ड कर सकते हैं। और फिर उसकी मतलब क्यों करते हैं, घिसने से, घिसने के लिए, बचाने के लिए, काटने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, और फिर इसको अपन कैसे कर सकते हैं, डुबाने की विधि क्या है, किस माध्यम में अपन करेंगे, पानी में, ऑयल में, वो सब। और फिर अपन क्विचनिंग क्या होती है वो भी मैंने भी बताया कि धातु को गर्म करके सीधे तो ठंडा करना क्विचनिंग कहलाता है। और फिर उसको जो आपके पदार्थ मेटल्स है, जो आपके टूल्स है, उसको किस प्रकार से आप खटोर बनाते हैं उसके ऊपर भी खटोरता का गुण निर्भर करता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि खटोरता अपना दूसरी विधि पढ़ी है। तो अगर आपको कोई डाउट है या आपको समझ में नहीं आया या कोई क्वेरी हो या आपकी कोई चॉइस का जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी जो लेटेस्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ आपको तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।